उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सामूहिक बलात्कार की पीड़ित बच्ची के साथ थाना अध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि गुरुवार को कथित चोर के रूप में एक महिला को कोतवाली में जमकर पीटने की घटना सामने है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी, महिला उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार ललितपुर के महरौनी थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मी के घर पर काम करने वाली महिला को कथित चोरी के इल्जाम में घर और कोतवाली में पीटे जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने महरौनी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कामता प्रसाद, महिला उप निरीक्षक पारुल चंदेल व आर्ची अंशु पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पीड़िता के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी चंदेल, पटेल और पटेल की पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता पूजा पत्नी लक्ष्मी प्रसाद निवासी मोहल्ला खरवांचपुरा महरौनी द्वारा लिखित शिकायत दी गई है। इसमें उन्होंने बताया कि वह कोतवाली महरौनी में तैनात आरक्षी अंशु पटेल के घर में खाना बनाने का काम करती हैं। बीते 2 मई को जब वह खाना बनाने पहुंची तो उपरोक्त आरक्षी अंशु पटेल व उसकी पत्नी व महिला उप निरीक्षक पारुल चंदेल ने कमरा बंद करके उसके साथ मारपीट की। आरक्षी के घर में हुए चोरी के संबंध में आरोप कबूलने का दबाव बनाया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों का कहना है कि किसी तांत्रिक ने बताया है कि घर में काम करने वाले ने ही चोरी की है। इसके बाद पीड़ित और उसके पति को कोतवाली में ले जाकर दोनों के साथ इन लोगों ने मारपीट की। मारपीट से उसे काफ़ी चोटें आने की दुहाई देते हुए पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली महरौनी के सुसंगत धाराओं के तहत महिला उप निरीक्षक पारुल चंदेल, सिपाही अंशु पटेल व सिपाही अंशु पटेल की पत्नी के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।